इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइए। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या ये है गुड्डन का कोई प्लान या है अंतरा की कोई नई चाल? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या ये है गुड्डन का कोई प्लान या है अंतरा की कोई नई चाल? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है। आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या गुड्डन अंतरा की चाल में फंस कर देगी कुर्बानी या बनाएगी एक प्लान उसको मात देने का? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। अरे पंडित जी, शुभ काम में देरी कैसी, शुरू कीजिए ना प्लीज। विवाह की विधि संपन्न हुई। हमने अपना वादा पूरा किया अंतरा, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या लग रहा था मैं ये प्रॉपर्टी और ये सब साइन करके यहाँ से निकल लूंगी? हाँ, तुम्हें गलत लग रहा था। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं सोमवार रात। ये सब हमने अंतरा का सच जिंदल साहब के सामने लाने के लिए किया। एजे अंतरा हमेशा से ही गलत थी। क्या आप अब भी उनका साथ छोड़कर अंतरा का साथ देना चाहते हैं? जितनी मुश्किलें तकलीफें इन्होंने इस परिवार के लिए झेली है, कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। बताइए ना एजे, क्या करेंगे आप? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुम सही थे अंतरा, सॉरी मैंने तुम पर भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने वही किया है गुड्डन जो हमने डिसाइड किया था। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे अंतरा के नाम, उसे एक्सपोज करने के लिए कुछ दिन तक ये नाटक जारी रखना होगा पापा। गुड्डन से ना हो पाएगा। तुम्हें ये अंगूठी पहनाकर जो विश्वास, जो प्यार मैंने खो दिया है उसे वापस जगाऊंगा मैं। इतनी रात कहीं को बुलाया, क्या बात है लला? अंतरा और सरू कहाँ हैं? उनको भी बुला लो, अगर कोई खास बात है तो। बात तो खास है माँ, लेकिन उन दोनों के कानों के लिए नहीं, क्योंकि बात दरअसल उन दोनों के बारे में ही है। मैंने उन दोनों को नींद की गोली खिलाकर चैन की नींद सुला दी है, ताकि हम सब परिवार बिना किसी रिस्क के वो बात कर सकें जो अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। नींद की गोली, ये क्या कह रहे हैं लला? अंतरा और सरू तो हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर उनसे खतरा किस बात का? खतरा है मां, क्योंकि वो दोनों इस परिवार का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी इस परिवार को अपना नहीं समझा। सच्चा अपनापन तो सिर्फ गुड्डन ने दिखाया है मां। हाँ मां, गुड्डन ने अब तक जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है। अंतरा ने मुझे, आपको, इनफैक्ट हम सबको सिर्फ झूठ कहा है। हर कदम पे धोखा दिया है उसने हमको, और अब मैं गुड्डन पर और सवाल उठते देख नहीं सकता माँ। ये जानते हुए कि वो सच्ची है और अंतरा झूठी है, मैं उसे और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मेरा आज आप सबको ये सच बताना जरूरी था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बोल, क्या पट्टी पढ़ाई है अब उसने? पट्टी नहीं पढ़ाई है माँ, बल्कि मेरी आंखें खोली है। अंतरा का असली चेहरा दिखाया है उसने मुझे।
मां अंतरा के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी एक सोची समझी चाल थी। अफसोस तो इस बात का है कि हम उस पर विश्वास करते हुए उसकी हर चाल का शिकार बन गए और सारा इल्जाम गुड्डन पे लगता गया। गुड्डन इनोसेंट है मां, यही परिवार मेरे हर आंसू पे विश्वास करता है। वो भले कोई भी झूठ हो, मतलब वो अक्षत के साथ सोने वाला या प्रेगनेंसी या बच्चा, कुछ भी। अक्षत कभी ये सोच पाएंगे कि इतने क्यूट से भोले से चेहरे के पीछे एक मर्डरर छुपा है जिसने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। हमेशा से मुझे पैसा, प्रॉपर्टी, यही सब तो चाहिए था। अक्षत और उसके बोरिंग से परिवार में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हे काना, मैं अपने गुड्डन को गलत ही समझती रही। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, ठीक वैसे ही लालच को लालच काटेगा। अंतरा का लालच ही उसे उसके जाल में फंसाएगा। Myself, संवेश होंडा from London. छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ और आपके होने वाले हबी का खास बड़ी। हाँ हाँ, इतने छोटे कि हम जैसे 10 लोगों को खरीद ले। 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। आपके लिए ये छोटा सा नजराना। मैंने शराब पी है, ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? सवा 9 बज गए। भाकी, ये क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना के आई है इस घर में? जिससे तुम मिलने वाले हो उस इंसान की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। हो सकता है उसकी शक्ल में तुम्हें एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए। स्पेशल इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा है? आता ही होगा। ये ले। रिया की बूजी और भूजी की फोटो। हमारे मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो तुझे और अनुराधा जी को अवार्ड दे। अरे हमारे घर पर पार्टी है, उसका क्या? पीएम आज शाम को हमारे घर पर तशरीफ लाएंगे और उसी पार्टी के दौरान अवार्ड सेरेमनी भी हो जाएगी और तुम्हें और अनुराधा दोनों को अवार्ड मिल जाएगा। करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। गुरुदेव, वो बच्चा इसी हवेली में? वो रहा शैतान की औलाद। हमें अस्पताल जाना होगा, शैतान का खून है वहां, हमें उसे हासिल करना हो। अब कैसा लग रहा है दी? तबीयत कैसी है मम्मा और बेबी की? बोलिए ना दी, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? और आपका एक छोटू सा भी? इसने भी तो मदद की होगी अपने आतंकवादी पति की। मारो, रुक जाइए, मारो, रुक जाओ, रुक जाओ, अंदर चलो, मारो जरा को, मारो। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड, इनके बयान से साफ हो जाएगा कि शान मौजूमदार ही खूनी है, उन्होंने ही शुभंकर जी को मारा है। चश्मदीद गवाह की जुबानी और शान मौजूमदार के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। एक इंसान की गवाही के बेसिस पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली जी।
योर ऑनर प्लीज मुझे मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि शान मौजूमदार बेगुनाह है। क्या मिलेगा अस्मिता को आखिरी मौका शान को बचाने का? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।